बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो अल्केन, दैट इज अमाइन बाय आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ये तमाम नॉमेनक्लेचर बाय आईयूपीएसी सिस्टम एंड कर लिए। अब हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन है, इसके अंदर अमाइन की तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के अंदर यकीनन जो अमाइन NH2 है, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी है, अगर एक अल्काइल रेडिकल अटैच होगा अमाइनो ग्रुप के साथ तो वो प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, दो अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे तो सेकेंडरी, तीन अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे तो वो कहलाएगा टर्शियरी। यहाँ पर हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे प्राइमरी अमाइन के। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2, और इसका IUPAC नेम क्या है, अमाइनो अल्केन, मतलब अमाइनो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चलता चला जाएगा इसमें। अब इनिशियल जो तमाम रूल्स हैं वो सारे के सारे अल्केन वाले या अल्काइल हैलाइड वाले हैं या अल्कोहल वाले हैं। इसमें जस्ट अल्फा कार्बन चेन में लाजमी आना चाहिए, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकंड चेन कैन नॉट ब्रेक, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल। एक रूल की एडिशन और हो जाती है, वो क्या है, चेन मस्ट कंटेन अल्फा कार्बन, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो चेन सेलेक्शन में तमाम बेसिक रूल्स हैं, अगर आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल सही से पढ़ा हुआ है तो अमाइनो अल्केन करने में कोई मसला नहीं है। इसमें देखें भाई, अब हम देखें तो स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन हो रही है और अल्फा कार्बन चेन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में भी स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन, अल्फा कार्बन चेन में। थर्ड में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम स्ट्रेट सेलेक्ट कर लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 आएंगे, या तो हम राइट साइड से एल शेप सेलेक्ट कर लें जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास मर्जी हो तो हम कोशिश ये करेंगे स्ट्रेट सेलेक्शन करें ताकि नंबरिंग और नेमिंग में आसानी हो, तो हमने ये स्ट्रेट सेलेक्ट कर ली। इसी तरह इसमें भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, स्ट्रेट राइट पे एल शेप, लेफ्ट पर, और ये टॉप टू बॉटम, इस तरीके से भी। ठीक है, हमारी मर्जी, हम चेन सेलेक्शन कैसे भी कर लें, नेमिंग IUPAC सेम आएगी। फिफ्थ वन, इसमें भी बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं कि हम चेन सेलेक्शन कर सकें इसके अंदर। ठीक है, राइट से टॉप मुड़ जाएँ, बॉटम की तरफ आ जाएँ, या फिर लेफ्ट से बॉटम की तरफ आ जाएँ। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस तरह चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम भी नहीं है और अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो ये तो इंतहाई गलत चेन सेलेक्शन है। तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट सेलेक्शन कर ली। ठीक है, तो चेन सेलेक्शन में एक रूल की एडिशन है, चेन मस्ट कंटेन अल्फा कार्बन, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच है अमाइनो ग्रुप के साथ। अब सेकंड हम नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग हम लेफ्ट से भी करते हैं और राइट से भी नंबरिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान सा रूल है, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें अमाइनो ग्रुप एक हो, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट और राइट से जिस साइड से लोएस्ट नंबर असाइन होगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है अमाइनो ग्रुप को, राइट साइड से थर्ड पोजीशन, तो हम प्रिफेयर करेंगे यहां पर फंक्शनल ग्रुप को। इसी तरीके से अगर रूल में अब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है तो फर्स्ट प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को और सेकंड प्रेफर करते हैं ब्रांचेस को। ठीक है, अब यहां पर देखें हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी हाइड्रोकार्बन के चेन जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप को सेम पोजीशन असाइन हो रही हो और कोई ब्रांच भी ना हो, तो हमारी मर्जी, हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें, IUPAC नेम क्या होगा, सेम। अब थर्ड में लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं और राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन असाइन हो रही है अमाइनो ग्रुप को। अब हम प्रेफर करेंगे कि इसको ब्रांच को, इसके अलावा ब्रांच मतलब अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन और राइट साइड से फोर्थ पोजीशन। पहले हमने प्रेफर किया फंक्शनल ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो ग्रुप की दोनों तरफ से पोजीशन सेम है, देन वी विल प्रेफर अल्काइल रेडिकल और लेफ्ट साइड से लोएस्ट नंबर असाइन हो रहा है, राइट साइड से फोर्थ पोजीशन आसान होगी, तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 फोर्थ वन ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप को सेम पोजीशन असाइन हो रही है। और अब हम प्रिफर करते हैं ब्रांचेस को, अल्काइल रेडिकल को, लेकिन अल्काइल रेडिकल एक से ज़्यादा हो जाएं। जब भी अल्काइल रेडिकल एक से ज़्यादा होंगे, अल्केन वाला रूल, लोएस्ट समेशन वाला रूल एप्लीकेबल होगा। इन दोनों अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशन को लेफ्ट साइड से भी सम करेंगे, राइट साइड से भी सम करेंगे।
अगर सम जहाँ से कम आएगा नंबरिंग वहीं से करेंगे, लेकिन अगर सम भी सेम आ गया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम आ गई और दोनों रेडिकल्स की पोजीशन का सम भी सेम आ गया, तो हमारी मर्जी हम नंबरिंग यहीं से कर लें। लेफ्ट साइड से 2 + 4 = 6, राइट साइड से 2 + 4 = 6। इसका मतलब कि अल्काइल रेडिकल की या ब्रांचेस की पोजीशन का सम भी सेम है, तो हमारी मर्जी नंबरिंग यहीं से भी कर लें। आखिरी बात, अब यहाँ पर हमारे पास CBA ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से सेम पोजीशन असाइन हो रही है अमाइनो ग्रुप को और ब्रांचेस एक से ज़्यादा है। जब भी ब्रांचेस एक से ज़्यादा होंगी लोएस्ट समेशन का रूल एप्लीकेबल होगा, लेफ्ट साइड से पोजीशन का सम करेंगे, राइट साइड से सम करेंगे। जब हम लोग 4-5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर पढ़ लेते हैं तो देख के ये आइडिया हो जाता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। वैसे अगर आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड कर लिए तो इसका मतलब देख के अंदाजा होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से समेशन कम आएगा। और देख लें भाई, लेफ्ट साइड से आ रहा है 2 + 2 = 4 मतलब 8 और राइट से आ रहा है 2 + 4 = 4 मतलब 10। तो लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग प्रेफर करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग प्रेफर नहीं करेंगे। अब आखिरी बात नेमिंग, नेमिंग के अंदर तमाम के तमाम रूल अल्केन वाले हैं, सबसे पहले आती हैं ब्रांचेस, ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप भी काउंट होगा एज ब्रांच, जिस तरीके से अल्काइल हैलाइड, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यकीनन हम विद रिस्पेक्ट टू क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नंबरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब नेमिंग करते हैं तो जिस तरह पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच और नेम ऑफ ब्रांच लिखते हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एडिशन किस में हो जाएगी, ब्रांच के अंदर, यानी कि पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इंक्लूडिंग अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप को इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, जस्ट नेम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, एस अल्केन, ठीक है। तो नेम ऑफ रूट एस अल्केन, बिल्कुल ये अल्काइल हैलाइड की तरह है, ठीक है। जस्ट वहां पे हेलो अल्केन था, यहां पर क्या अमाइनो अल्केन। तो यहां पर नेमिंग देते हैं, सबसे पहली नेमिंग में ब्रांचेस अमाइनो के अलावा कोई भी नहीं है। तो पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट में सेकेंड पोजिशन में अमाइनो लगा हुआ है, 2 अमाइनो और नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेन में कितने, 4, 2-अमाइनो-ब्यूटेन इज द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट हाइड्रोकार्बन चेन। सेकंड में भी एक ही अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पर है, लेफ्ट से देखें राइट से देखें तो ये हो गया 3-अमाइनो, 5 कार्बन आइटम से चेन में पेंटेन, थर्ड। अब यहां पर 2 रेडिकल्स हो गए। अब देखें नंबरिंग हमने विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो या जैसी भी की है, नेमिंग में इन दोनों को काउंट करेंगे एज ब्रांच, अमाइनो ए मिथाइल एम, ये कितने पहले एम आएगा, तो लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 3 अमाइनो देन ब्रांच 2 मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में 5, इट मींस दैट नेम ऑफ रूट एस अल्केन पेंटीन। सेम मेथड इज यहां पर है, 2 मिथाइल है एम से और 1 अमाइनो, इट मींस दैट नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 3 अमाइनो देन उसके बाद पोजीशन ऑफ ब्रांचेस मिथाइल 2, 4, 2, 4 डाई, ये आ गई मल्टीप्लिसिटी और कौन सा रेडिकल है मिथाइल, 2, 4 डाई मिथाइल और नेम ऑफ रूट एस अल्केन दैट इज पेंटीन। ये बहुत ही आसान सी बात है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर भी 4 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, 1 फंक्शनल ग्रुप और 3 ब्रांचेस, मतलब अमाइनो भी काउंट होगा एस ब्रांच, तो लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 अमाइनो। सेकंड, अब यहां पर हमारे पास 3 पोजीशंस हैं मिथाइल की, 2, 2, 4, 2, 2, 4, ये आ गई हमारे पास नंबरिंग। अब इसकी पोजीशन के बाद इसकी क्या आएगी, मल्टीप्लिसिटी, ट्राई 2, 2, 4 ट्राई नेम मिथाइल, तो ब्रांचेस हो गई एंड आखिर में क्या बचा, अल्केन, नेम ऑफ रूट एस अल्केन दैट इज पेंटीन। तो ये बहुत ही आसान सा IUPAC था, अगर आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल पढ़ ली तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको तमाम IUPAC के रूल्स विद चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग विद शॉर्टकट टेक्निक समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। टिल देन अल्लाह हाफिज़।